चौटाला पॉलिटिक्स विजय चौटाला जनता पार्टी दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का कुनबा मजबूत हो रहा है। आज अम्बाला के शहर गांव मटेड़ी में पहुंचे जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने काफी संख्या में विभिन्न पार्टियों से आए लोगों को जजपा में शामिल करवाया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जजपा में आए लोगों का पूरा मान सम्मान किया जाएगा। वहीं पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने जीत का दावा किया तो गठबंधन में चुनाव लड़ने या ना लड़ने पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर दोनों पार्टियों ने कोई बात नहीं की है। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि सब पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार रही है, हम इस पर कल फैसला लेंगे कि हमारा क्या एक्शन रहेगा। आज कैप्टन अंटाल और अनेकों लोगों ने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा और जिम्मेवारी ली कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूं और सबका वेलकम करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि पूरा मान सम्मान पार्टी इनको देगी। तो ये तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, पेंडेंसी थी इसकी, और ये जल्द से जल्द चुनाव होनी चाहिए। छोटी सरकार सबसे मजबूत सरकार होती है, सबसे ज़रूरी सरकार है, चंडीगढ़ से भी ज़्यादा ज़रूरी है पंचायत की सरकार। तो इसलिए वो अच्छी बने, लोगों का काम हो, डेवलपमेंट के कार्य शुरू हो, सरपंच पंच जो हैं जिला परिषद के मेंबर अपने कामों को लगे। गठबंधन नहीं रहेगा या अभी ये तो फैसला ना उनने किया ना हमने किया कि हम चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं, अभी यही फैसला नहीं हुआ। सभी पार्टियां अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, हमारी भी पार्टी कल इसके बारे में मीटिंग बुला रही है कि हम हमारा कोर्स ऑफ एक्शन इस पूरे चुनाव में क्या होगा। 2024 में भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर व 7 निर्दलीय विधायकों द्वारा जजपा से गठबंधन तोड़ने के सवालों पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये तो प्रयास करते रहते हैं, दोबारा चुनाव करवा लीजिए, इन सातों की जमानत जब्त होगी। और 2024 में भाजपा जजपा गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इस पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए एक साथ आए हैं, अपने फायदे के लिए नहीं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो एक साथ आएंगे, यदि जनता की भलाई के काम नहीं कर पाए तो एक साथ रहने का कोई फायदा नहीं। ये तो सारे कोशिश करते ही रहते हैं ये जो 7 लोग हैं, मगर इनकी खुद की पोजीशन सातों के सातों की ऐसी है कि ये दोबारा चुनाव जीतना तो छोड़िए जमानत भी नहीं बचा सकते। तो ये इस तरह के प्रयास करते रहेंगे, कोई बात हमारे भाई हम सकारात्मक हैं। हमारा मकसद जो एक साथ आने का है वो काम करने का है जनता का, हम कोई अपने फायदे के लिए थोड़ी आए हैं। जब तक सारी बातें ठीक चलती रहेंगी और दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी, काम अच्छे होंगे, तो हम साथ रहेंगे। और अगर जो है लोगों की भलाई के हम कार्य नहीं कर पाए तो फिर एक साथ रहने का कोई वो नहीं है।